आपने पुलिस को बदमाशों का एनकाउंटर करते देखा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि पुलिस ने जिस बदमाश को मुठभेड़ में ढेर किया हो और उसी की बेटी की शादी अपने खर्च पर कराए और सभी व्यवस्थाएं करे? यदि नहीं तो ये खबर आपको जरूर देखना चाहिए। दरअसल बीते 18 मई 2023 को सिपाही भेदजीत की हत्या के मामले में पुलिस ने दो अपराधियों का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर में मृतक बदमाश रमेश की बेटी की जालौन पुलिस ने अपने खर्च पर कल शादी करवाई। विवाह घर से लेकर झांसी से आए बारातियों के स्वागत से लेकर गृहस्थी के सामान तक की पुलिस के उच्चाधिकारियों ने व्यवस्था की। वहीं परिवार ने पुलिस अधीक्षक उरई डॉक्टर इराज राजा व पुलिस क्षेत्राधिकारी उरई व समस्त जनपद जालौन पुलिस का आभार व्यक्त किया। यह कार्यक्रम उरई के जानके पैलेस उत्सव गृह में आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में इस सराहनीय कार्य के जनता के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। शिवानी सर, बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ है सामान में और सब लोगों ने मदद भी की है। किस किन किन लोगों ने मदद की है? सीओ सर ने, बाकी सब लोगों ने मदद की है, तो अच्छा लग रहा है। मैं आपका तारा, आज बेटी की शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? और टीओ साहब है, कप्तान साहब है, राठौर साहब है, जे सर है, पांचों जने की तरफ से मदद मिल रही, सब कुछ मिला, अभी हमारा कुछ नहीं है उसमें। कैसा लग रहा है बेटी की शादी होके अच्छा जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी है? खुशी है, खुशी है बहुत। अच्छा, शादी का उत्साह बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है बेटी का? शिवानी। कहाँ से बारात आ रही है? ये आ रही मंगरोर से, वहाँ बहुत खुश है।